नमस्कार, मैं डॉक्टर रीना अरोड़ा एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर हूं और आज मैं आपको कोविड-19 में जो हमें डाइट लेनी चाहिए उसके बारे में बताना चाहूंगी। सबसे पहले फ्रेश फ्रूट्स खाने चाहिए, गर्म भोजन लेना चाहिए और तभी लेना चाहिए जब आपको बिल्कुल अच्छे से भूख लगी हो। ये नियम हमें वैसे भी फॉलो करना चाहिए, आप खाना या कुछ भी तभी खाइए जब आपको भूख लगी है। बिना भूख के खाना कई प्रॉब्लम्स का कारण है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ओबेसिटी बढ़ती है, इनडाइजेशन होता है और बहुत सारी और प्रॉब्लम्स जिनका मैं यहाँ पे अभी वर्णन नहीं कर रही हूँ। इसके बाद चाय के अलावा अगर आप काढ़ा या ग्रीन टी लेना चाहते हैं तो आप आधा इंच अदरक, दो काली मिर्च, एक चौथाई इंच दालचीनी और इसमें थोड़ा सा लेमन ग्रास या तुलसी डाल के एक कप में ये आप ले सकते हैं उबाल के, उसको थोड़ा सा वो 1/3 टाइप रह जाए हो, या फिर आप गाय का दूध और उसमें सौंठ या हल्दी का पाउडर आधा चम्मच एक कप में डाल के ये आप ले सकते हैं। और अनाज हमें बताए गए हैं पुराने अनाज लेने चाहिए। वैसे भी हमारे एंसेस्टर्स बोलते थे पुराने अनाज ज्यादा फायदेमंद है क्योंकि वो हल्के हो जाते हैं और उनसे डायबिटीज भी नहीं होती, कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बढ़ता। इसलिए पुराने अनाज जैसे गेहूं और जौ एटसेट्रा ये हम ले सकते हैं। और दालों में एडवाइस है मूंग साबुत दाल सबसे अच्छी है, इसका गुण दूध के बराबर बताया गया है हमारी चरक संहिता में। और अगर आप मेरे से पूछे कि एक दाल बताइए जो सबसे अच्छी है तो वो मूंग साबुत है, इसलिए इसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए और कोविड के पेंडेमिक में भी इसको आप डेली लीजिए। और इसके अलावा मसूर की दाल ले सकते हैं आप, कुलथ ले सकते हैं, काले चने ले सकते हैं, मोठ ले सकते हैं। सब्जियों में एडवाइस किया गया है कि आप बैंगन लीजिए, ककोड़े आजकल बहुत आ रहे हैं, बहुत हेल्दी सब्जी है कोविड-19 पेशेंट्स के लिए। शिग्रू यानी कि मोरिंगा का कुछ भी आपको अगर मिलता है उसके लीव्स ले सकते हैं, उसकी रूट, उसकी स्टेम, उसकी ड्रमस्टिक जो बीन्स होती है, इसका सब कुछ बहुत ज्यादा यूजफुल है, इसको एक सुपर फूड कैटेगरी में हम कह सकते हैं। तो ये आप अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए। करेले आप अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए, ये बहुत हेल्दी है इस कोविड में पेंडेमिक में। परवल की जो सब्जी आती है इसको आप ले सकते हैं, बथुआ ले सकते हैं, इसका अभी सीजन स्टार्ट नहीं हुआ, बस आने ही वाला है ये। चुलाई की सब्जी बहुत अच्छी है इस पेंडेमिक में, ले सकते हैं। काकमाची एक मेंशन है, अगर किसी को पता हो तो इसकी भी सब्जी बहुत फायदेमंद है। गुड़ुची यानी कि गिलोय के पत्ते की सब्जी भी आप बना सकते हैं, हालांकि कड़वी होती है बट ट्राई कीजिए इसको। फ्रूट्स में एडवाइस है किशमिश लीजिए आप, कपित एक फ्रूट आता है, कॉमन नहीं है ये, अनार ले सकते हैं आप इसमें। और जो कंडीमेंट्स एंड स्पाइसेज यानी मसाले जो एडवाइस किए गए हैं इसमें इलायची ले सकते हैं, सौंठ ले सकते हैं, काली मिर्च ले सकते हैं, बड़ी पिपली ले सकते हैं और लहसुन ले सकते हैं। इस तरह से ये कोविड पेशेंट्स के लिए डाइट एडवाइस है। और कुछ पोस्ट कोविड जिनको कोविड हो चुका है, क्योंकि ऐसी रिसर्च आई है कोविड से ठीक होने के बाद भी इसके आफ्टर इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं पेशेंट्स में, इसलिए उसके बाद भी थोड़ी सावधानी बढ़ती है, एकदम नॉर्मल रूटीन पे मत आइए। आप अदरक ले सकते हैं नमक के साथ, 15 से 20 ml खाने से पहले इसका ले सकते हैं आप। और हल्का खाना लीजिए जो जल्दी से पच जाए, इसमें आप सत्तू ले सकते हैं और जैसे कि इसको शहद के साथ ले सकते हैं, चीनी के साथ ले सकते हैं, फ्रूट जूस या फ्रूट्स ले सकते हैं और मूंग की दाल का सूप ले सकते हैं, और भी दालों और सब्जियों के सूप ले सकते हैं, मीट का सूप भी ले सकते हैं जिनको बहुत ज्यादा वीकनेस हो, खिचड़ी ले सकते हैं आप चावल और मूंग साबुत दाल की, और देसी घी के साथ, गाय के देसी घी के साथ रोटी ले सकते हैं, और सब्जियों में घिया, तोरी, टिंडे ले सकते हैं, सीताफल भी ले सकते हैं। और जो मसाले एडवाइस किए गए हैं वो जीरा, काली मिर्च, गार्लिक, धनिया, अदरक और अजवाइन, इनको अपनी कुकिंग में यूज कीजिए। तो इस डाइट को फॉलो कीजिए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए और पूरे प्रिकॉशंस लेके स्वस्थ रहिए, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। धन्यवाद।